हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो कि 2023 में मिल चुका है। तो मैं आपको ये ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, कुछ ट्रिक होंगे और उस ट्रिक में आपको उसकी कंट्री मतलब जिस पर्सन को मिला है उस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा और वो पर्सन किस कंट्री के है उसके बारे में पता चलेगा। तो ये एक मतलब एक सिंपल से ट्रिक में आपको सब पता चल जाएगा कि मतलब वो किसे मिला है और वो पर्सन किस कंट्री से है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एज यू नो। तो हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो पहली बार किसको मिला था, फर्स्ट टाइम किसको मिला एंड कब मिला था। तो फर्स्ट टाइम जो मिला था वो मिला था इमेल एडॉल्फ वॉन बहरिंग एंड इन 1901 में मिला था, ठीक है, ये पहला मिला था। अब हम लोग 2023 के ट्रिक के बारे में जानेंगे, 2023 में किसे मिला है, जो मैं आप लोगों को ट्रिक के द्वारा बताऊंगी, ओके। इससे पहले मैंने ये पी शांति का बना चुकी हूँ मैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो वीडियो पे। तो ट्रिक के बारे में जो बताऊँगी, और वो जो ट्रिक है वो ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की को दवाई में मिलाकर पी गया। बहुत वो जो ट्रिक है वो ट्रिक है भूखा काका मेरी दवाई को विस्की में मिलाकर पी गया। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं एक मिनट लिख देती हूँ। भूखा काका मेरी दवाई विस्की में मिलाकर पी गया। तो आपको तो मैं ये ट्रिक बता दी हूँ, ओके। अब ये ट्रिक वर्क कैसे करती है ये बताना है मुझे। तो जैसा कि आपको मैं बता रही हूँ, ये मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है। तो भूखा यानी कि हंगरी, भूखा मतलब हो गया हंगरी, ओके। काका का मतलब हुआ, इसमें जो साइंटिस्ट का नाम है वो है काका, यानी कि कैटलिन कैरिको ये साइंटिस्ट हैं। और मेरी, तो ये मेरी का मतलब हुआ अमेरिका। ये दवाई से ये हुआ रिलेट हुआ कि ये दवाई का नोबेल प्राइज़ है। विस्की से जो साइंटिस्ट का नाम है वो है ड्रू विशमैन एंड देन बस ये इतना ही था इसमें। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो गाइस, अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे ये वर्क करता है। तो आप जैसा यहाँ पे काका मतलब कैटलिन कैरिको देख रहे हो, ये साइंटिस्ट का नेम है। और ये साइंटिस्ट कहाँ के रहने वाले हैं, ये साइंटिस्ट हंगरी के रहने वाले हैं। तो इससे आपको अगर एग्ज़ाम में आएगा कि कैटलिन कैरिको जिन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है वो कहाँ के रहने वाले, तो आप हंगरी बोल देना, मतलब आप निशान ये आप लगा सकते हो टिक की हंगरी के वो रहने वाले हैं। एंड जो ड्रू विशमैन है वो कहाँ के रहने वाले, वो अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इसे अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो डैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड मैं ना इससे पहले पीस का नोबेल प्राइज़ बना चुकी हूँ, तो आप इस मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो, ओके। और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा ये ट्रिक, और मैं आगे बनाऊँ आपके लिए, ओके। थैंक यू।